अगर क्विकली रिवाइज की बात करें तो नंबर वन से अगर हम लोग देखना चाहें तो चलिए देख लीजिए क्या है कि सबसे पहले बात करते हैं साहेबगंज जो सिंगल डिस्ट्रिक्ट है उसके लिए क्या था कुश्ती, फिर बात करेंगे जामताड़ा की जो सिंगल डिस्ट्रिक्ट जिसके लिए क्या था बैडमिंटन, इसी तरह जो सिंगल डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, और फिर बात सिंगल डिस्ट्रिक्ट की अगर करेंगे तो लोहरदगा जिसके लिए क्या था हॉकी। इसके बाद हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देख लेते हैं तीरंदाजी के वो पांच जिले कौन से हैं, तो क्विकली देखिए बोकारो, हजारीबाग, कोडरमा, गोड्डा और पश्चिमी सिंहभूम किसके लिए, तो तीरंदाजी के लिए। चलिए फिर आगे फिर बढ़ते हैं और फुटबॉल के लिए देख लेते हैं, तो अगर फुटबॉल की बात हम लोग करें तो आप यहाँ नंबरिंग सिस्टम से गौर करें तो सबसे पहले कहाँ बात आएगी, पूर्वी सिंहभूम, फिर रांची, फिर रामगढ़, फिर धनबाद, फिर दुमका, फिर गिरिडीह, चतरा और आठवां जो है वो क्या था खूंटी। ये किसके लिए चुने गए हैं, तो ये फुटबॉल यहाँ के लिए स्पोर्ट्स होगा, ज़िला का स्पोर्ट्स होगा। और अंत में देख लेते हैं एथलेटिक्स के वो सात जिले, जो एथलेटिक्स के सात जिले हैं वो हैं गढ़वा, पलामू, लातेहार, गुमला, सिमडेगा, और इधर आप गौर करेंगे तो दो जिला मिलेगा देवघर और पाकुड़। इस तरह आप देखेंगे वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स के तहत 23 जिला के खेलों को, और एक जिला के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि मैं उसका इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर पाया और जिस सोर्स से मुझे मिला वो भी इसका जवाब नहीं दे पाया, इसलिए मुझे पता नहीं है। अगर आपको जानकारी हो तो ज़रूर आप कमेंट करेंगे ताकि मैं इसे अपडेट कर दूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। झारखंड पीडिया में आज एक फिर से नया करंट टॉपिक लेकर मैं आया हूँ जो झारखंड से रिलेटेड है। जो टॉपिक होगा वो टॉपिक का नाम है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट नहीं स्पोर्ट्स। आप थोड़ा सा यूट्यूब में सर्च कीजिए आपको कहाँ मिलता है ये टॉपिक, वन डिस्ट्रिक्ट वन जो प्रोडक्ट है उससे इतर। चलिए बात करेंगे हम लोग वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स की, तो चलिए जानेंगे झारखंड में वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो है क्या। तो आप जानते हैं जो खेलो इंडिया कार्यक्रम चल रहा है, इसके तहत क्या है कि स्पोर्ट्स को स्पोर्टिंग एक्टिविटी और स्पोर्ट्स में इतना फैसिलिटी बढ़ा दिया जाए कि हमारा परफॉर्मेंस स्पोर्टिंग सेक्टर में अच्छा होने लगे और हमारा इवेंट में परफॉर्मेंस अच्छा आने लगे। तो खेलो इंडिया के तहत क्या किया गया कि खेलो इंडिया सेंटर खोला गया, खेलो इंडिया सेंटर। ये सेंटर्स कहाँ खुले गए, तो खेलो इंडिया सेंटर की अगर बात करें तो ये झारखंड के सभी 24 ज़िले में है। झारखंड में कुल कितने ज़िले हैं, 24 ज़िले हैं, और सभी 24 ज़िले में यह है खेलो इंडिया सेंटर। अब बात यही करेंगे आज जो एकदम बिल्कुल डिफरेंट होगा, इसीलिए डिफरेंट होगा कि प्रत्येक जिला के लिए एक स्पोर्ट्स को चुना गया है यहाँ, इसीलिए तो मैं बात कर रहा हूँ कि वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स, और उसी को हम लोग अभी देखेंगे 2400 जिले के मैप के साथ। एक बार आप देखेंगे ये ऑलवेज आपके लिए पॉकेट में हो जाएगा, यानी ब्रेन में हो जाएगा, ताकि आप इजीली अच्छा परफॉर्म कर सके। तो सबसे पहले मैं एक बात रिमाइंड कर दूँ कि आपने पहले ही देखा होगा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP। इसका अगर आप नहीं देखे हैं तो एक बार काइंडली रिक्वेस्ट है जरूर देखिए, मात्र 10 से 15 मिनट का एक वीडियो है, मैं डाल दे रहा हूँ उसका थंबनेल, आप देख लीजिए, आई बटन भी डाल दूंगा उसमें, ज़रूर देख लीजिएगा आप, आपको बिल्कुल ही टेंशन नहीं लेना होगा। एक बार देखेंगे वो हमेशा के लिए आपके ब्रेन में चला जाएगा और इससे निश्चित रूप से सवाल पूछे जाएंगे। मैं जो टॉपिक लेकर आता हूँ हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, ये सिर्फ एपिसोड बनाने या क्लास बनाने के लिए नहीं, ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे और आप एग्जामिनेशन में परफॉर्म करें। आप जानते हैं झारखंड पीडिया का USP क्या है, USP है हमेशा मैप के साथ आगे बढ़ना। चलिए अगर आप रेगुलरली झारखंड पीडिया को देखते हैं तो आप जानते हैं कि आपको ये डिस्ट्रिक्ट पता है कि झारखंड के 24 ज़िले का लोकेशन कहाँ, अगर नहीं देखे हैं तो मैप वाला सेक्शन में जाकर देख लीजिए, बेहद ही आसान है। इसमें क्या है कि मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको बताऊंगा कि कौन सा स्पोर्टिंग इवेंट किस डिस्ट्रिक्ट के लिए चुना गया है किसके तहत, तो खेलो इंडिया सेंटर, मैंने पहले ही कहा है खेलो इंडिया सेंटर्स कहाँ है 24 ज़िले में, और इसे 24 ज़िले में क्या है कि इसी इसके तहत क्या किया जाएगा प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के लिए, एवरी डिस्ट्रिक्ट के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स। ODOP से बाहर आकर हम लोग वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, यानी 24 स्पोर्ट्स की बात करेंगे क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हमारे पास कितना है 24 है, झारखंड में 24 ज़िले की बात करेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि खेल को उभारने के साथ साथ जो फॉर्मर
मतलब हमारे यहाँ झारखंड के जो फॉर्मर प्लेयर्स रह चुके हैं जिसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स में, उनको खेलो इंडिया स्कीम से जोड़कर उनके प्रशिक्षण में उनके नेतृत्व में खेल को आगे बढ़ावा देना, यानी हमारा फोकस जो ये स्कीम है इसका फोकस क्या होगा, जो कमिंग नेशनल गेम्स है या फिर कमिंग जो इंडिया लेवल पर जो भी इवेंट्स होंगे उसमें झारखंड का परफॉर्मेंस को अच्छा करना, साथ ही जो वरिष्ठ सीनियर और परफॉर्म कर चुके जो प्लेयर्स हैं उसके सहयोग से खेलों को बढ़ावा देना, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं मैप वाइज। तो सबसे पहले करेंगे ऐसा कि ऐसा इवेंट जो कम से कम डिस्ट्रिक्ट के लिए चुना गया है उसमें फोकस करते हैं। तो बात अगर कर ले साहेबगंज की, तो साहेबगंज का लोकेशन आप समझ गए होंगे, ये है साहेबगंज, लिख दे रहे हैं, कन्फ्यूजन नहीं होना है, साहेबगंज। और साहेबगंज के लिए जो गेम चुना गया है ना वो है कुश्ती, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इसलिए रिक्वेस्ट है फोकस होकर देखिए क्योंकि इससे निश्चित रूप से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। तो साहेबगंज एक गेम की बात है इसलिए हमने सबसे पहले किसको रखा, साहेबगंज की। इसी तरह अगर बात करें एक डिस्ट्रिक्ट आता है यहाँ पे सिचुएटेड है और जिस डिस्ट्रिक्ट का नाम है जामताड़ा, और जामताड़ा के लिए जो गेम चुना गया वो है बैडमिंटन। चलिए इम्पोर्टेंट, मैंने पहले कहा कि जो सिंगल डिस्ट्रिक्ट वाला बात है उसको सबसे पहले आपके समक्ष रख देते हैं। इसी तरह एक ज़िला जो है वो यहाँ सिचुएटेड है और उसका नाम है लोहरदगा, और लोहरदगा के लिए जो इवेंट चुना गया है वो है हॉकी। झारखंड में काफ़ी पॉपुलर है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि इसको बहुत कम जगह के लिए चुना गया, मैंने सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट के लिए इसका चयन किया गया, वो है लोहरदगा। तो तीन ऐसे ज़िले हो गए जिसका स्पोर्ट्स हम लोगों ने देख लिया। अब चलिए बात कर लेते हैं एक पॉपुलर गेम है, क्या है, तीरंदाजी, जो झारखंड में काफ़ी पॉपुलर है, तो चलिए उसको देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे है बोकारो, मैंने पहले कहा है कि जो झारखंड पीडिया के रेगुलर जो देखने वाले हैं उनको ये पता चल जाएगा, मैप से समझ में आ जाएगा। फिर है ये हजारीबाग, यहाँ है कोडरमा, ये लोकेशन समझ में आ रहा है, ये है कोडरमा। फिर बात बढ़ते हैं कोडरमा, ये अच्छा हाँ गोड्डा, और ये है पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम का हेडक्वार्टर बोल दिए होंगे आप लोग, यही तो कमेंट कर दीजिए, पश्चिमी सिंहभूम हेडक्वार्टर क्या होता है इसका, क्या है, चाईबासा, चलिए लिख दे रहे हैं, कन्फ्यूजन नहीं होना है, चाईबासा। अब आप गौर कीजिए, अभी हमने जो लिखा वो कितने डिस्ट्रिक्ट को लिखा हमने, चलिए फोकस कीजिए। तो देखिए हमने अभी लिखा कोडरमा, हजारीबाग, बोकारो, पश्चिमी सिंहभूम और गोड्डा, ये कलर से समझ रहे हैं, रेड कलर से है ये, कोडरमा, हजारीबाग, बोकारो, पश्चिमी सिंहभूम और गोड्डा, और ये जो पांच ज़िला हैं इसका जो गेम है, गेम क्या हो गया, चलिए पहले यहाँ लिख लेते हैं। तो इसके लिए जो गेम है वो है तीरंदाजी, तीरंदाजी, तीरंदाजी जो हो गया वो कितने ज़िले के लिए हो जाएगा, चलिए पांच कैसे देख लीजिए, यहाँ से शुरू करते हैं, बोकारो, हजारीबाग, कोडरमा तीन, गोड्डा चार और पांचवा पश्चिमी सिंहभूम, पांच हो गया, चलिए पांच डिस्ट्रिक्ट हो गया। इससे पहले हम लोगों ने किसको देखा था, साहेबगंज एक हो गया, जामताड़ा हो गया एक बैडमिंटन के लिए और लोहरदगा हो गया हॉकी के लिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बच गया कौन सा डिस्ट्रिक्ट और कौन सा स्पोर्ट्स, तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं और उसको भी देख लेते हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, अब देख लेते हैं हम लोग जो दूसरा पॉपुलर गेम है, तो पॉपुलर क्या है उसको देखते हैं। तो फुटबॉल की बात अगर करें तो फुटबॉल की बात करते हैं, चलिए घूमना शुरू करते हैं झारखंड को। तो यहाँ देखिए यहाँ क्या है, धनबाद, ये धनबाद जिला हो गया, इसके बाद धनबाद से बोकारो, यहाँ पे क्या है, चलिए यहाँ कर दे रहे हैं, यहाँ पे कर दे रहे हैं रामगढ़, धनबाद हो गया, रामगढ़ हो गया, फिर यहाँ पे है गिरिडीह हो गया, धनबाद, रामगढ़, गिरिडीह हो गया, यहाँ चलिए राजधानी,
रांची, फिर यहाँ पे है चतरा, ये तो कैपिटल ही हो गया, चलिए रांची, फिर हो गया चतरा, अब यहाँ बच गया ठीक, इसके यहाँ पे पाकुड़ है तो ये दुमका है, यहाँ दुमका, इसके बाद हो गया रांची, हो गया दुमका, गिरिडीह, धनबाद, हाँ एक पूर्वी सिंहभूम बच रहा है, ये पूर्वी सिंहभूम, इसका हेडक्वार्टर बता दीजिए, चलिए नहीं बताइएगा हम तो लिखेंगे ही, जमशेदपुर, ठीक है। अब अगर डिस्ट्रिक्ट काउंट करते हैं, सबसे पहले चलिए देख लेते हैं डिस्ट्रिक्ट काउंट करते हैं, चलिए यहीं से शुरू करते हैं, ये हो गया पूर्वी सिंहभूम, चलिए एक, फिर हो गया रांची दो, चलिए रामगढ़ तीन, धनबाद चार, दुमका पाँच, गिरिडीह छः, चतरा सात, चतरा हो गया सात, और एक बच गया क्या, खूंटी, या खूंटी यहाँ पे सिचुएटेड है, खूंटी, चलिए इसको भी कर देते हैं, तो सात हो गया था, ये आठ। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए आठ ऐसे ज़िले हैं जिसका गेम क्या है, चलिए उसी को तो लिखना है ना, तो आठ ऐसे ज़िले हैं जिसका गेम है फुटबॉल, फुटबॉल, फुटबॉल में ज़िलों की संख्या कितनी है, आठ, अभी आपने मैप में देखा, फुटबॉल में ज़िलों की संख्या आठ, फुटबॉल में ज़िलों की संख्या आठ, चलिए क्विकली रिवाइज कर लीजिए, पूर्वी सिंहभूम यानी जमशेदपुर, रांची, रामगढ़, धनबाद, चार, दुमका, गिरिडीह, चतरा और खूंटी, आठ ऐसे ज़िले हैं जहां फुटबॉल को खेलो इंडिया स्कीम के तहत उस जिला का स्पोर्ट्स के रूप में चुना गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जो बच गया जिला वो क्या हो गया, जो बच गया जिला वो किसके लिए है, तो उसको देख लेते हैं, तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, लिख लेते हैं पहले डिस्ट्रिक्ट को, तो जो बच गया, देखिए पलामू परमंडल में देखिए बचा हुआ है क्या है, तो पलामू परमंडल में बच गया सबसे पहले गढ़वा, फिर यहाँ है पलामू, फिर यहाँ है लातेहार, यहाँ क्या है गुमला, यहाँ क्या है सिमडेगा, इतना आसानी से आपको कोई बताने वाला नहीं है, अगर बता रहा है तो देख लीजिए, नहीं तो हम तो बहुत मेहनत करके आपको बताते हैं ताकि एकदम बिल्कुल दिमाग में हो जाए, एक बार आप देख ले तो वो आपका हो जाए, ठीक है। अब इसमें कौन सा हो गया, देख लीजिए गढ़वा, पलामू, लातेहार, गुमला और सिमडेगा, यानी अगर आप गौर करें तो मैप में जो हमारा वेस्टर्न साइड के डिस्ट्रिक्ट हैं उस सभी डिस्ट्रिक्ट में एक ही तरह के स्पोर्ट्स चल रहे हैं, और दो ज़िले ऐसे हैं जो कहाँ हैं, तो चलिए देख लीजिए, यहाँ पे सिचुएटेड है बाबा नगरी, देवघर, और यहाँ पे सिचुएटेड है पाकुड़, माइंस के लिए जाना जाता है, कौन सा रो, ब्लैक स्टोन के लिए पाकुड़, तो इस तरह अगर आप डिस्ट्रिक्ट काउंट करेंगे, चलिए आपको डिस्ट्रिक्ट काउंट करवा दे रहे हैं, विजिट कर लीजिए एक बार सभी जिला पर, चलिए ब्लैक से ही इसको लिखते हैं, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी, तो गढ़वा, पलामू, लातेहार, गुमला, सिमडेगा, देवघर और सातवां पाकुड़, इस तरह क्या है कि सात ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिसके बारे में भी हम लिखेंगे, तो सात डिस्ट्रिक्ट हैं क्या हो गया, जिसका गेम क्या है, तो यह है एथलेटिक्स, ये जो सात जिले हैं, सात जिला में क्या हो गया, इसके गेम क्या हो गए, एथलेटिक्स। चलिए क्विकली रिवाइज कीजिए, गढ़वा, पलामू, लातेहार, गुमला, सिमडेगा, देवघर और पाकुड़, सात जिले हो गए। इस तरह अगर आप देख रहे हैं मैप में आपको दिख रहा होगा, तो आप गौर करेंगे, अगर काउंट करें तो आपको दिख रहा होगा कितना जिला, जानते हैं 23 डिस्ट्रिक्ट। क्यों एक जिला नहीं दिख रहा है, वो जिला जो नहीं दिख रहा है वो है सरायकेला खरसावां, ये सरायकेला खरसावां का लोकेशन जान रहे हैं यहाँ पे है, तो सरायकेला खरसावां के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाया, और मैं गलत जानकारी आपसे शेयर नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने क्या किया कि 23 जिला के बारे में मैंने आपको मैप व्यू से बताया कि किस जिला के कौन से
स्पोर्ट्स को चुना गया है। अगर क्विकली रिवाइज की बात करें तो नंबर वन से अगर हम लोग देखना चाहें तो चलिए देख लीजिए क्या है कि सबसे पहले बात करते हैं साहेबगंज जो सिंगल डिस्ट्रिक्ट है उसके लिए क्या था कुश्ती, फिर बात करेंगे जामताड़ा की जो सिंगल डिस्ट्रिक्ट जिसके लिए क्या था बैडमिंटन, इसी तरह जो सिंगल डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, और फिर बात सिंगल डिस्ट्रिक्ट की अगर करेंगे तो लोहरदगा जिसके लिए क्या था हॉकी। इसके बाद हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देख लेते हैं तीरंदाजी के वो पांच जिले कौन से हैं, तो क्विकली देखिए बोकारो, हजारीबाग, कोडरमा, गोड्डा और पश्चिमी सिंहभूम किसके लिए, तो तीरंदाजी के लिए। चलिए फिर आगे फिर बढ़ते हैं और फुटबॉल के लिए देख लेते हैं, तो अगर फुटबॉल की बात हम लोग करें तो आप यहाँ नंबरिंग सिस्टम से गौर करें तो सबसे पहले कहाँ बात आएगी पूर्वी सिंहभूम, फिर रांची, फिर रामगढ़, फिर धनबाद, फिर दुमका, फिर गिरिडीह, चतरा और आठवां जो है वो क्या था खूंटी। ये किसके लिए चुने गए हैं, तो ये फुटबॉल यहाँ के लिए स्पोर्ट्स होगा, ज़िला का स्पोर्ट्स होगा। और अंत में देख लेते हैं एथलेटिक्स के वो सात ज़िले, जो एथलेटिक्स के सात ज़िले हैं वो हैं गढ़वा, पलामू, लातेहार, गुमला, सिमडेगा, और इधर आप गौर करेंगे तो दो ज़िला मिलेगा देवघर और पाकुड़। इस तरह आप देखेंगे वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स के तहत 23 ज़िला के खेलों को, और एक ज़िला के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि मैं उसका इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर पाया और जिस सोर्स से मुझे मिला वो भी इसका जवाब नहीं दे पाया, इसलिए मुझे पता नहीं है। अगर आपको जानकारी हो तो ज़रूर आप कमेंट करेंगे ताकि मैं इसे अपडेट कर दूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।